डॉल्फिन। डॉल्फिन को हम अक्सर मछली समझने की भूल कर देते हैं, लेकिन वास्तव में डॉल्फिन एक मछली नहीं है, वह तो एक स्तनधारी प्राणी है। मछलियां ठंडे खून की होती है, जबकि डॉल्फिन गर्म खून की होती है। मछलियां बच्चों को अंडों के रूप में पैदा करती है, लेकिन डॉल्फिन बच्चे जन्म देती है और स्तनपान भी करवाती है, जैसे मानव करवाते हैं, और मानव की तरह ही फेफड़ों से सांस लेती है, जबकि मछलियां गलफड़ों से सांस लेती। डॉल्फिन का मुंह बोतल के आकार का होता है। डॉल्फिन एक बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, जो सामूहिक रूप से 10 या 12 के समूह में रहना पसंद करती है। इसके सुनने की शक्ति कमाल की होती है और ये कई तरह की आवाजें निकाल सकती है। डॉल्फिन एक एक्टिव जीव है। ये मानव के द्वारा प्रशिक्षित कर कुछ रोचक खेल भी दिखा सकती है। डॉल्फिन की सुंदरता और चतुरता देख दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जब डॉल्फिन पानी में करतब दिखाती है, तो सभी दर्शक तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। डॉल्फिन सामान्यतः मांसाहारी जीव है, जो समुद्रों की छोटी मछलियों को खाता है। दूसरी तरफ दुनिया भर में इस जीव के साथ सेल्फी और फोटो लेने के लिए महंगे टिकट भी खरीदे जाते हैं। डॉल्फिन की कई प्रजातियां विश्व भर के महासागरों में मिलती है। भारत में गंगा नदी की डॉल्फिन एकमात्र ऐसी डॉल्फिन है जो भारतीय गंगा में मिलती है। खराब प्रबंधन और प्रदूषण के कारण जीव विलुप्ति की कगार पर नजर आता है। डॉल्फिन शिकार का पता लगाने के लिए कंपन वाली आवाज निकालती है, जो बहुत बड़े क्षेत्र में जाती है और वापस आती है। इससे होता यह है, शिकार का आकार और एकदम सटीक दूरी पता लग जाती है। डॉल्फिन एक दिलचस्प जीव है, जिसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य इस प्रकार है। पृथ्वी पर फिलहाल 41 प्रजातियों की डॉल्फिन पाई जाती है, जिनमें से 37 समुद्रों में मिलती है, 4 नदियों में पाई जाती है। जानवरों में सबसे लंबी याददाश्त डॉल्फिन की है। डॉल्फिन का जीवन काल प्रजातियों में 15 से 20 वर्ष का होता है। सबसे छोटी डॉल्फिन 4 फीट की और सबसे बड़ी डॉल्फिन 32 फीट की होती है। छोटी डॉल्फिन 40 किलो वजन की होती है, जबकि बड़ी डॉल्फिन 9,000 किलो तक हो जाती है। खुद को शीशे में पहचान सकती है। तैरने की रफ्तार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की है। डॉल्फिन तैराकी करते समय 20 फुट ऊंची छलांग लगा सकती है पानी के बाहर। डॉल्फिन ऐसा क्यों करती है, इसका पता वैज्ञानिक आज भी नहीं लगा सके हैं। डॉल्फिन का गर्भकाल प्रजातियों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। छोटी प्रजातियों में 11 से 12 महीने का गर्भकाल होता है, जबकि बड़ी प्रजातियों में 17 से 18 महीने का होता है। सामान्यतः एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कुछ मामलों में 2 बच्चों को जन्म देती है। जन्म के बाद 11 से 18 महीने बच्चा माँ के साथ रहता है। जीवन काल 15 से 50 वर्ष जीवित रहते हैं। एक दिन में 60 मील की दूरी तय कर सकते हैं। जीवन भर साथी बदलती रहती है। डॉल्फिन सामान्यतः उग्र जीव नहीं होते। डॉल्फिन केवल तभी काटती है जब वह निराश, चिंतित या भयभीत होती है। डॉल्फिन के लिए सबसे बड़ा खतरा ग्रेट व्हाइट शार्क है। यूएसए में डॉल्फिन को सैन्य बलों द्वारा उपयोग में लिया जाता है। जापान, पेरू, सोलोमन द्वीप द्वारा डॉल्फिन को खाने की प्रथाएं हैं। 2 मुंह वाली डॉल्फिन तुर्की में पहली बार देखी गई। ब्रिटेन के आधिकारिक क्षेत्र में आने वाली सभी डॉल्फिन पर ब्रिटेन की महारानी का अधिकार होता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गैंजेटिक डॉल्फिन है। डॉल्फिन कभी गहरी नींद में नहीं सोती। डॉल्फिन को सांस लेने के लिए पानी के सतह पर आना ही होता है। डॉल्फिन का आकार 6 फीट से लेकर 31 फीट तक का होता है। वजन 50 किलो से 10 टन के बीच मिल जाता है। सबसे प्रसिद्ध डॉल्फिन बॉटल नोज डॉल्फिन है। इसकी त्वचा चिकनी होती है, जो पानी में तैरने में इसकी मदद करती है।